मैच नंबर 23 ऑफ द विंसी प्रीमियर लीग देखता है बोटैनिकल गार्डन्स रेंजर्स और सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स के बीच खेले जाने वाला मैच भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात के 9 बजे बुधवार 26 मई को, और ये आज के दिन का यानी माफ कीजिएगा ये टूर्नामेंट का ये लास्ट लीग डे है। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए और जानिए कौन से प्लेयर्स हैं जो आपको मैक्सिमम फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते। ऑलराइडी, हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कार्तिक अय्यर। आज भी मेरे हमदम मेरे दोस्त बाबा शीश इस वीडियो में नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि साइक्लोन हास जो है आज ओडिशा और कोलकाता में लैंड कर चुका है जिनके कारण उन्हें इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हम आपके यूजर्स के भी कमेंट्स आए हैं कि बाबा आखिर है किधर, और कुछ ऐसे कंसर्न्स भी आए हैं कि बाबा ठीक है कि नहीं। तो मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि गुड न्यूज ये है कि बाबा खुश है और सेफ भी है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे साथ संपर्क बना लेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो की बात करें तो मैच नंबर 23 है बोटैनिकल गार्डन्स रेंजर्स और सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स के बीच। वैसे तो देखा जाए तो बोटैनिकल गार्डन्स रेंजर्स जो है पॉइंट्स टेबल में एकदम ही नीचे है, सिर्फ एक विन है और लगता नहीं है कि वो नेक्स्ट स्टेज में आ पाएंगे यानी क्वालिफायर एलिमिनेटर में। और जहां तक सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स की बात करें तो 4 पॉइंट अर्जित कर दिए हैं उन्होंने, लेकिन वो जो 4 पॉइंट आए हैं उनके दो पहले दो मैचेस के थ्रू आए हैं और बाकी 5 मैच लगातार वे हारते आए हैं, और उन 5ों में लास्ट 3 मैच वो लास्ट ओवर में आ रहे हैं। तो मोमेंटम बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है, लेकिन आज शायद उन्हें एक ऐसी मैच मिली है जहां पर वो मोमेंटम अर्जित करके क्वालिफायर्स यानी प्लेऑफ्स में जा सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या है हमारी फैंटेसी गली बेस्ट 11 सजेशंस जो प्लेयर्स आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। चलिए स्क्रीन तो आ गई हमारे सामने। तो कॉम्बिनेशन है एक कीपर, 3 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और वाव 5 बॉलर। जी हाँ, 5 बॉलर हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स से मात्र 4 प्लेयर की सजेशन फैंटेसी गली बेस्ट 11 से, और 7 प्लेयर जो हैं वो बोटैनिकल गार्डन्स रेंजर्स तरफ से आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स से गिने चुने प्लेयर्स ही चल रहे हैं। तो सबसे पहले नाम जाते हैं वो है सुनील एम्ब्रिस। अब सुनील एम्ब्रिस की अगर हम बात करें तो उन्होंने लास्ट 2 मैच में या उसके पहले वाले मैच में 132 पॉइंट दिए थे, कैप्टन थे ड्रीम टीम के, और पिछले मैच में भी उन्होंने 40 अंक दिए थे। ये एक ही प्लेयर है जो सॉल्ट पॉइंट ब्रेकर्स के लिए कंसिस्टेंटली आपको पॉइंट्स देते जा रहे हैं, और इसी कारण ये हमारे चीफ बेस्ट 11 के कैप्टन भी है जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरे प्लेयर अगर हम सॉल्ट पॉइंट ब्रेकर्स की तरफ से बात करें तो वो है एंड्रू थॉमस। अब एंड्रू थॉमस थोड़े बहुत ऊपर नीचे है, उनका एक्स फैक्टर देखिए काफी हाई है। लास्ट मैच में उन्होंने 23 अंक दिए थे, लेकिन उसके पहले जो है ना उन्होंने बिल्कुल भी, अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करें तो लास्ट मैच में उन्होंने जितने पॉइंट्स दिए थे ना तो उस सेम एग्जैक्ट पॉइंट्स उन्होंने बाकी 3 मैचेस में दिए थे, 4, 11 और 8। फैंटेसी गली रेटिंग 6.9 की है और क्रेडिट जो है 8.5 की ही है, लेकिन उनके स्किल के अगेंस्ट एक आग जल रही है, तो ये इन्हें आप अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं। अब वही पॉइंट ब्रेकर्स की तरफ से बोलर्स की अगर हम बात करें तो एक वाइस कैप्टन के नॉमिनेशन के हिसाब से आते हैं डेलॉन जॉनसन। अब डेलॉन जॉनसन ने ऑल्टरनेट ऐसे कश्ती बांधी हुई है, पहले 27, फिर 2, फिर 31, फिर 9, फिर वापस 33। तो ऐसे जरूर आप सोच सकते हैं कि शायद इस मैच में ना चले, लेकिन अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं पिछले मैच के हिसाब से अगर हम देखें तो। वैसे तो है बॉलर, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने बैटिंग के थ्रू पॉइंट्स दिए हैं। तो ऑलराउंड ये टी10 में ऐसे ही होता है कि स्किल पे आप ज्यादा डिपेंडेंसी ना रखें कि कोई भी बॉलर आपको बैटिंग पॉइंट भी दे सकता है और कोई भी बैट्समैन आपको बॉलिंग पॉइंट्स भी दे सकता है। तो डेलॉन जॉनसन जो हमारे फैंटेसी गली बेस्ट 11 में एज अ वाइस कैप्टन नॉमिनेट हुए हैं, इन्हें आप अपनी टीम में जरूर रखिएगा। तो ये है हमारे सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स के टीम के प्लेयर्स के सजेशंस। अब देखते हैं दूसरे टीम में से क्या क्या है। अब क्योंकि आप एक ही कीपर ले सकते हैं, जी नहीं,
आपको एक कीपर मिनिमम रखना है, लेकिन एक कीपर सजेस्ट कर रहा है एफजी बेस्ट 11, तो वो है बोटानिकल गार्डन्स रेंजर्स के वेन हार्ट पर। ताबड़तोड़ फॉर्म में आ रहे हैं इस मैच में, 72 फैंटेसी पॉइंट दिए थे उन्होंने लास्ट मैच में, और अगर उसके पहले वाले मैच को छोड़ दें तो चार मैच में काफी डिसेंट पॉइंट्स दिए उन्होंने। उनका लोएस्ट रहा है 35 अगर हम चार मैचेस की बात करें तो, और इनकी क्रेडिट है सिर्फ 8.5 और रेटिंग है 9.1। एक्स फैक्टर भी लो है जो ये दर्शाता है कि ये आपको कंसिस्टेंट पॉइंट्स दे सकते हैं, तो प्लीज इन्हें अपनी टीम में जरूर रखिएगा। दूसरे प्लेयर अगर कि हम बात करें तो है अर्नल्ड थॉमस। अब अर्नल्ड थॉमस इस मैच में आ रहे हैं पिछले मैच में 25 अंक देकर, तो वो भी सॉल्ट पॉइंट ब्रेकर्स के अगेंस्ट ही रहा है इनका मैच, तो इनसे आप उम्मीद रख सकते हैं कि वो एक बार फिर आपको अच्छे बैटिंग पॉइंट्स दे। अब रुख मोड़ते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ, तो ऑलराउंडर्स में सुनील अम्ब्रिस की हमने बात तो की है, लेकिन विंस्टन सैमुअल को देखिए, लास्ट मैच में ड्रीम टीम के वाइस कैप्टन रहे थे, यानी ड्रीम टीम के वाइस कैप्टन मतलब सेकंड हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर उस दिन के मैचेस के, तो उन्होंने सॉल्ट पॉइंट ब्रेकर्स के अगेंस्ट ही खेला था लास्ट मैच, 95 पॉइंट दिए थे जिसमें से 91 बॉलिंग पॉइंट आए थे, तो विंस्टन सैमुअल को प्लीज आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। और अंत में आते हैं हम हमारे बोलर्स की तरफ, तो बोलर्स में काफी सारे ऑप्शंस हैं, डोनाल्ड डेलप्लेके, केजरिक विलियम्स, किमाली विलियम्स, ये तीनों अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर करना है ना, तो फिर मैं सजेस्ट करता हूं कि किमाली विलियम्स को आप अपने टीम में जरूर लें, और क्योंकि ये दोनों ही प्लेयर्स डोनाल्ड डेलप्लेके और केजरिक विलियम्स जो है अच्छे फॉर्म में भी आ रहे हैं, तो आप इनको भी आप हमारे कंसिडरेशन में ले सकते हैं। तो अब चलिए नजर मारते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको एग्जैक्ट फैंटेसी पॉइंट्स दे सकता है। तो ये हमारी हो गए एफजी बेस्ट 11 का एक कॉम्बिनेशन, यानी बेस्ट 11 का कॉम्बिनेशन। तो अगर आप यहाँ पे टॉगल करें ना, तो यहाँ पे आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जैसे कि अब दिख रहा है एफजी बेस्ट 11, फिर एक लो रिस्क वाली टीम मिलेगी, फिर हाई रिस्क वाली एक दूसरी टीम है, उसके बाद इनफॉर्म टीम है, और अंत में आपको बैटिंग फोकस वाली टीम है। तो ये आपको अभी यानी टॉस के घंटों पहले दिख रहा है, लेकिन जब अगर आप टॉस के बाद आके आप टीम बनाए ना, तो आपको 10 अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलेंगे हमारे फैंटेसी गली के ऐप में। फैंटेसी गली की ऐप आपको कहां से मिलेगी? फैंटेसी गली वेबसाइट पे जाकर, वहां से आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। और आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा कहां से? तो हमारे आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, तो प्लीज उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिए, ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और आपको तुरंत ऐसे मालूम चल जाए कि नया वीडियो आया है, और आप फैंटेसी टीम बनाने में आपको सहायता मिले। उसके अलावा हमारे यूट्यूब वीडियोस में कमेंट सेक्शन है, प्लीज आप अपने कमेंट्स जारी रखें, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, सजेशंस भी मिल रहे हैं, हम उस पर अमल भी कर रहे हैं। तो आपको अगर कुछ और सजेशंस चाहिए, कुछ और टीम्स के बारे में भी जानना है, तो प्लीज लिख भेजिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सिर्फ विंसी प्रीमियर लीग ही नहीं, काफी सारे दूसरे मैचेस भी हैं जो हम कवर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वहां पर इंटर आयरलैंड इंटर प्रोविंशियल कप भी है, डार्विन T20 भी है, श्रीलंका इन बांग्लादेश तो चल ही रहा है, और जून से तो काफी सारे मैचेस आने वाले हैं इंटरनेशनल में, तो क्रिकेट की कमी नहीं रहेगी। तो और क्रिकेट की कमी नहीं रहेगी तो फैंटेसी गली में भी अकाल नहीं है। तो चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो अंत करना चाहूंगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज अपना ख्याल जरूर रखिए, मास्क जरूर पहनिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहिए, और हाँ, सिचुएशन को लाइटली मत लीजिए। अगला वीडियो रहेगा जो विंसी प्रीमियर लीग का लास्ट मैच ऑफ द लीग स्टेज जो खेला जाने वाला है, वो खेला जाएगा रात के 11 बजे, उस वीडियो के साथ हम जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ प्लीज जरूर बने रहिएगा, अपने यूट्यूब पे जरूर चेक करते रहिएगा कि नया वीडियो कब आया है। टेक केयर एंड गुड बाय।